नंदकिशोर कल्चरल सोसाइटी के अकेडमी की ओर से आज के विशिष्ट अतिथि पद्म विभूषण पंडित बिरजू महाराज जी तथा माननीय स्वामी विद्या अमृतानंद पुरी जी का हार्दिक स्वागत है। इस आयोजन में आपकी उपस्थिति हमारे लिए प्रेरणा तथा प्रोत्साहन का स्रोत है। हमें हर्ष है कि आज हमारे बीच कथक जगत के अनेकों ख्याति प्राप्त कलाकार मौजूद हैं। पंडित शाश्वती सेन जो महाराज जी के विशिष्ट शिष्य हैं, अनीता जी कर के कुशल आयोजन की आयोजिका श्रीमती शेष सुश्री मंगवा शंकर और नंदकिशोर जी बताएंगे पूरी जगह मौजूद है। सबकी अनुमति से मैं कार्यक्रम आरंभ करती हूँ। अवसर पर विशिष्ट अतिथियों के समक्ष स्वयं पंडित बिरजू महाराज जी तथा स्वामी जी के कर कमलों द्वारा इस पुस्तक के विमोचन का आयोजन है। नंदकिशोर जी से निवेदन है कि वे महाराज जी और स्वामी जी का सम्मान करें। बहुत सारे प्रश्न शंका मन में उभरते थे, लेकिन उसका निरसन कभी नहीं हुआ यहाँ पे। और जिस दिन मैं शिष्यवृत्ति लेके महाराज जी के पास देखी चला और वहां पे देख के महाराज जी की शांत मूर्ति, उनका हंसता हुआ चेहरा देख के मुझे उस समय लगा कि बस अब मेरे सब प्रश्नों के उत्तर यहाँ पे ही मिल जाएंगे। और उसके बाद फिर मैं महाराज जी के पास सीखना मेरा शुरू हुआ और जितने साल में सीखता था तभी से दिमाग में था कि महाराज जी के लिए मैं कुछ बहुत अच्छी बातें लिखूं। और उस समय मैं डायरी रखता था पूरा दिन, जो सुबह से शाम रात तक मैं महाराज जी के साथ रहता था उनके सानिध्य में, तो मैं सब पूरी बातें लिखता था। उसी के दौरान मैं लखनऊ में महाराज जी के साथ बहुत आना जाना हुआ और मेरा सौभाग्य है कि मैं उस समय महाराज जी का प्रिय शिष्य हुआ था, अभी भी हूँ। तो महाराज जी के अम्मा जी, माता जी, महादेव जी, जिनके साथ मेरी बहुत अच्छा घनिष्ठ संबंध हुआ और उन्होंने महाराज जी के बचपन के बारे में, कथक के विषय में, कथक की पूरी कहानी उन्होंने बताई, पूरे लखनऊ के घराने के बारे में समझाया, वो सब बातें मेरे पास रिकॉर्ड की हुई है। और उसी के हिसाब से
जितने साल मैंने 28-30 साल अभी मुझे हुए महाराज जी के साथ में, तो वही सब सारी बातें मेरी इच्छा थी कि पूरे हर एक घर में हो जाए। खैर महाराज जी को तो पूरा जगत विश्व के वो महान कलाकार है, भगवान है, हर एक उनको जानता है, लेकिन कुछ बातें ऐसी है कि जो कलाकार के तौर पे महाराज जी को सभी जानते हैं, उसके अलावा भी कुछ बातें ऐसी है कि जो सबको जानना जरूरी है। तो इसीलिए ये मकसद से मैंने ये किताब लिखी है, जिसमें महाराज जी का सारा पूरा परिवार के बारे में मैंने लिखा है। महाराज जी 7वीं पीढ़ी है, उसके बाद के भी 8वीं पीढ़ी 9वीं पीढ़ी के बारे में मैंने लिखा है। यहाँ पे दीपक महाराज जी आए हुए हैं, दीपक जी महाराज जी की लड़की रागिनी महाराज भी आजकल नृत्य में नृत्य सीख रही है, नृत्य कर रही है, पत्नी है वो, तो और उनके बड़े बेटे जय किशन महाराज और रात को ही दिल्ली चले गए, इसलिए वो आ नहीं सके अभी, लेकिन उनका भी लड़का त्रिभुवन वो भी तबला बजाता है और नृत्य भी करता है। तो ऐसे ही महाराज जी का सब परिवार है। उसके बाद मैंने उसमें ये चीजें लिखने के बाद काफी महाराज जी जैसे बहुत ही एक अच्छे सुंदर लयकार के बादशाह हैं, नर्तक हैं, उसके अलावा भी बहुत अच्छे संगीतकार हैं, गायक हैं, इंस्ट्रूमेंट प्लेयर हैं, कोई भी चीज ऐसी नहीं है कि अष्टपैलू कलाकार है महाराज जी। निकाल सुधा सांगितलं की प्रत्येक गोष्टी महाराजांच्या या अगदी लक्षात ठेवण्यासारख्या आहेत, आणि त्याच्याविषयी आपलं जे कथक नैसर्गिक नृत्य आहे आणि महाराजांना या निसर्गावरती अतिशय प्रेम आहे, त्यामुळे त्यांनी हे नॅचरल चीजों से महाराज जी का बहुत प्यार है और इसलिए उन्होंने चिड़िया, अलग पलग, मुर्गी ऐसे कई उनको देख के तिहाइया बनाई है। कुछ चीज ऐसी कि जो महाराज जी ने कुछ शुरू की है, जैसे गिनती की तिहाई है, काफी चीजें ऐसी तराना है, और इसमें और भी एक चीज है कि जो नए कलाकार जो उभरते हुए कलाकार अभी आ रहे हैं, कोई सीख के कुछ क्लासेस चला रहे हैं, तो उनको सही मार्गदर्शन मिले कि जो हमारे कथक में जो डेफिनेशन लिखी हुई है, परर यानी पकावच के ही बोल होनी चाहिए, परर के बोल तबले के बोल नहीं होते हैं। तो ये जो सारी चीजें हैं, तो उसके लिए आज महाराज जी एक हस्ती है, द लास्ट वर्ड ऑफ द कथक महाराज, आपको सबको मालूम है, और महाराज जी ये सबसे बड़ा सबूत है दुनिया के लिए, कथक विश्व के लिए, जो महाराज जी कहेंगे वही बात तो सच्ची होगी। तो यही चीजें सब इस किताब में मैंने लिखी है। महाराज जी का 4 फरवरी को जन्मदिन है, ये मेरा बहुत सौभाग्य, मतलब पता नहीं ईश्वर की लीला है। पिछले साल भी जब मुझे मैं महाराज जी के मार्गदर्शन में थीसिस लिख रहा था, पीएचडी कर रहा था, जिस दिन वो पदवीदान समारोह था, तो ऐसी लीला थी कि उसी समय महाराज जी और शाश्वती दीदी आ गए थे उनके सामने, उनकी साक्षी में मैंने वो ग्रहण की थी। आज भी एक ऐसा अजूबा हो गया है कि महाराज जी का जन्मदिन भी है और उनको मैं अपनी ये किताब उनके चरण में अर्पण कर रहा हूँ, जिसमें शाश्वत दीदी का बहुत बड़ा योगदान जो नृत्य में 30-35 साल में है, उसके विषय में बहुत सारी बातें आपको पढ़ने को मिलेगी, जानकारी मिलेगी पढ़ने के बाद और उसके अलावा भी कथक में जो महाराष्ट्र में और एक दो लोगों ने जो मशहूर किया, जो पंडिता सीतारा देवी, स्वर्गीय गोपी कृष्ण जी, उनके विषय में भी मैंने उसमें लिखा हुआ है। तो आशा करता हूं कि आपको ये किताब पसंद आएगी और महाराज जी से और स्वामी जी से मैं विनती करता हूँ कि आप ये किताब को बाजू हटाओ साइड लेते हैं ये लेना सर Thank you.
பண்ணிக்கோங்க. और इसमें मुझे किताब के ऊपर किताब की ये बहुत खुशी की बात है कि जो लोग महाराष्ट्र के गरीबी रहे हैं उसके बाद सीतारा देवी जी ने आशीर्वाद के तौर पर वो किताब में इस किताब के बारे में काफी चीजें लिखी हैं. इस शॉर्ट में मैंने कहा उद्गम नृत्य कहाँ से शुरू हुआ ये लिखा है कि भारतीय नृत्य शैलियां उनके विषय में डिटेल्स में नहीं है लेकिन कितनी मेंशन किया है. घरानों के बारे में डिटेल्स में नहीं लिखा बाकी है लेकिन लखनऊ घराने के बारे में हर चीज इसमें हर एक कंपनी भी आपको लखनऊ घराने की उसमें मिल जाएगी. उसके बाद थोड़ा सा मुगलकालीन जो वाली परीक्षा के समय से मैंने लिया है उसमें और जहाँ से जहाँ महाराज जी ने कहा तराना शुरू किया था जो जो चीजें महाराज जी ने शुरू किए कथक में कैसे बदलाव लाया कथक में कैसा सौंदर्य कथक को सौंदर्य प्रदान किया महाराज जी ने ये बातें सबको मैंने इस किताब द्वारा आपको पहुंचाने तक प्रयास किया है. उसके बाद आधुनिक युग का कथक नृत्य आज कथक की स्थिति क्या है और पूरा हाईलाइट है वो मेरे गुरु महाराज जी के लिए है सब पूरा उसमें महाराज जी के बारे में और उसके अलावा महाराज जी के परिवार का पूरा उसमें आप तस्वीरें देखेंगे सब बच्चों के अम्मा जी के सबकी तस्वीरें हैं ज्येष्ठ शिष्य शाश्वती जी की विपुल जी की कई जो पुराने शागिर्द थे उनकी वेरोनिक वगैरह हम लोग जो सीखते थे तो उसमें है तस्वीरें और उसके अलावा महाराज जी की जो आप लोग नहीं आपको किसी को भी नहीं मालूम होगा ऐसी अलग मुद्राएं मतलब महाराज जी के बचपन की लेके अभी तक की तस्वीर इसमें है जो मैंने संग्रहित करके रखी थी. तो महाराज जी 16 साल के 17 साल के थे 20 साल के थे 24 साल के थे ऐसे वहां से वो सब पूरा उनका सफर अब तक का जो इंस्ट्रूमेंट बजा रहे जहाँ तबला बजा रहे अपनी महाराष्ट्र की लावणी की ढोलकी यहाँ पे उन्होंने बजाई थी वो फोटो उसमें है ढोलकी का गाना वो जो गाना गाते गायन गायन का उनकी तस्वीर उसमें वो देख के आपको बहुत मजा आएगा. काफी चीजें मतलब तस्वीरें रंगीन तस्वीरें इसमें है काफी ब्लैक एंड व्हाइट भी है ऐसी पुरानी पुरानी तस्वीरें इसमें है जो लखनऊ में आज भी वो कोठी है महाराज जी की जहाँ पे कथक परिवार कई लखनऊ का रहता था तब लखनऊ बनारस जयपुर नहीं था पूरा इकट्ठा सब लोग वहीं पे रहते थे तो वो कोठी आज भी वहाँ पे है उसकी तस्वीर वहाँ पे है. महाराज जी का पूरे जितना भी पूरा वंश परंपरा वंशावल मतलब तो सब उसमें जो है उस मंदिर वो मंदिर की तस्वीर भी यहाँ पे है ऐसी कई सारी चीजें हैं. उसके अलावा कथक के जो अपने पारिभाषिक शब्द हैं जिसकी व्याख्या है कि जो यही होनी चाहिए जो महाराज जी से पूछ के मैंने वो कन्फर्म करके उसमें वो लिखा हुआ है. तो ऐसी ये पहला प्रयास मेरा है अभी तक मेरी महाराज जी गोपाल की पुस्तक की किताब पूरी नहीं हुई है इसकी अगली पुस्तक किताब में 2-3 महीने भी मेरा मुझे विश्वास है मैं सेकंड उसका महाराज जी का किताब महाराज जी के ऊपर जो महाराज जी जो नाम अभी से मैंने रखा है संपूर्ण महाराज जी ये किताब जिसे महाराज जी का आशीर्वाद तो मेरे साथ है और उसकी वजह से मुझे लगता है ये होगा. धन्यवाद महाराज जी को और आप सबको मेरा प्रणाम. मैं एक आध्यात्मिक साधक हूँ एक कलाकार नहीं फिर भी कपोते सर ने बहुत प्यार से मुझे बुलाया और महाराज को मिलने की मेरी इच्छा थी इसलिए मैं आज एक प्रोग्राम में आया. मुझे डांस के बारे में ज्यादा कुछ मालूम नहीं और इस प्रोग्राम में आके मुझे बहुत अच्छा लगा और ये नंदकिशोर कपोते जी का ये प्रयास उन्होंने किताब लिखा है उससे बहुत सारे विद्यार्थियों को लाभ होगा मेरा विश्वास है और उनको भविष्य में भी
इनके जिंदगी में यश मिलने के लिए मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। महाराज जी का लीडर होता तो मैं भी एक ऑडियंस बन के सकता हूँ कि ये कौन से महाराज है जिनका लीडर हो रहा है, और उनके बारे में बहुत लोगों से पता लगता है। जैसे कल मुझे बहुत से लोगों से पता लगा कि महाराज जी कौन है। सच में आप विश्वास मानिए, मुझे भी समझ में नहीं आता वो कौन है। और ईश्वर ने क्या क्या वरदान उनको कैसे दे दिया है, मैं स्वयं उनको देखता रहता हूँ कि और उनके अंदर और क्या छिपा हुआ है, जरा दिखाई पड़े। मेरे गुरु हैं, इस शरीर के वो गुरु जिनके हुक्म से, उनके आदेश से ये शरीर हिलता है, पांव चलते हैं, घुंघरू बजते हैं। उस गुरु को मैं स्वयं प्रणाम करता हूँ, और मैं कभी नहीं समझता हूँ ये वो मैं। और अच्छा ही है अगर किसी को ये समझ में ना आए तो वो शागिर्द रहता है, यात्रा यात्रिक रहता है, मंजिल की खोज करता रहता है। अगर उसे पता लग जाए इतनी चीजों से मैं संपूर्ण हूँ तो शायद उसका प्रयास रुक जाए, थम जाए। लेकिन मैं सच में एक बहुत अच्छा शिष्य हूँ, और चर्चा सब लोगों से सुनता हूँ कि भाई वो अच्छे हैं, बड़े गुणी हैं, बड़े अच्छे हैं, लयदार हैं, ये है। तो दूसरों से मुझे पता लगता है, कन्फर्म होता है कि हाँ वाकई में कुछ खास बात है। नंदकिशोर की ये प्रयास एक अच्छे शागिर्द अच्छे शिष्य का काम है, जो अपने गुरु के प्रति भावना ऐसी गहरी रखता हुआ रहे और कायम रहे। ये नहीं कि सीख लिया था, काफी सीख लिया, अब तो हमारे पास हमारा स्कूल है और हमें नाचने को मिलता है, प्रोग्राम होते और हम भूल बिसर गए ये कहाँ से सिलसिला शुरू हुआ है। अब मैं अपनी माँ को अगर भूल जाऊँ कि किसने मुझे जन्म दिया है, ये कैसे हो सकता है। जो माँ ने काम किया है, जन्म दिया है, और जिसने विद्या की है वो माँ से कहीं ज्यादा हो जाता है। उसको जीने की राह सिखाता है, उसको तालीम देता है, उसे लय स्वर इन दोनों देवी देवताओं के बीच में उतार छोड़ता है। कहता है आनंद का स्रोत संगीत है, आनंद का स्रोत। कल भी मैं कह रहा था, क्षमा से मैं कह रहा था उसके शागिर्दों से, एक तो शिष्य सब इधर उधर जाते ही काम करने जाते हो, जाए क्यों, जाना भी चाहिए, कि तुम वृक्ष हो, टहनियां हो, तुमने टहनियां बने बनाई, फूल उगाए, और फूल जो उगाए हैं तुम्हारे तमाम शिष्य हैं, हमारे शिष्य हैं, उनका धर्म है खुशबू फैलाना अलग अलग पूरे विश्व में, केवल हिंदुस्तान में नहीं बल्कि पूरे विश्व में, पृथ्वी पर फूलों की खुशबू फैला दो। ये चीज हमें, ये प्यार कथक के प्रति, कला के प्रति महाराष्ट्र में खास करके बहुत अच्छा दिखाई पड़ता है। और मैं इसलिए बड़ा खुश हो जाता हूँ जब यहाँ पुणे आता हूँ, मुंबई जाता हूँ, तो सच में मुझे इतने दिल ही आनंद मिलता है कि हम उन लोगों से मिलेंगे जो सब सेवा में लगे हुए हैं। जब रथ यात्रा होती है जगन्नाथ बाबा की, लाखों लोग, हजारों लोग उनको उठाते हैं, उनके रथ को, उस रथ को उठाने के लिए हजारों लोगों की, लाखों लोगों की जरूरत है जो भक्ति से चला रहा है। तो सारी कलाकार जो यहाँ सब लोग बैठते हैं, और अल्लाह करे मैं ये शराब देता हूँ कि कलाकार न रह जाए, वो दीवाने हो जाए, सब पागल हो जाए। मैं ये दुआ कह लो, शराब कह लो, वो दीवाने हो जाए तो ज्यादा अच्छा है, ताकि शुद्ध भूल जाए वो हमारा कन्हैया जिसके घुंघरू के धुनों से सारा वृंदावन घूम उठा, उनकी बांसुरी के धुन से इतने लोग पशु पक्षी सब आद्य नाथ को समझने लगे। वो नाद, वो स्वर, वो ताल ईश्वर का सबके मन में गहरे से गहरा चिंतन करें और देखते रहे। और गुरु की प्रशंसा आपको शागिर्द का धर्म, जब हम
अपने गुरुओं की प्रशंसा अगर हमें करने बैठ जाए तो कई दिन बीत जाएंगे, क्या था हम क्या था। अगर उस वक्त ना तो लिखने का प्रयास था, हम कुछ हो रहे थे महाराज की क्या नजर बनी, ऐसी नजर नहीं। महाराज जी भाव समूह महाराज की बात कर रहा हूँ कि भाव वहां कर रहे हैं, बेगम अंदर पर्दे में खड़ी है और जब भाव देख कर वो भूल गई तो वो पर्दे से बाहर है। नवाब नहीं हो पड़े के लिए कहूँ तो वो अंदर चली गई डर के मारे। भाव की तासीर, भावनाओं का शोर दो चक्षुओं से क्या क्या होता है। इतनी छोटी सी चीज बनाई है, उससे बड़ी तो नाक है, मुंह है, लब है, लेकिन वो दो रोशनी से दृष्टि से सारी नाच को सजाया जाता है। उनके दो रंगों से, इस दो आंखों के रंगों से पूरी बॉडी की कलर को बदल दिया जाता है। एक बार शुभ महाराज से किसी लाइट मैन ने कहा, महाराज हरी लाइट दू, लाल लाइट दू या ग्रीन दू आपके डांस को, क्या बोलते तो मुझे लाइट देगा, तो मुझे सफेद लाइट दे और जो शंभू महाराज लाइट पैदा करेगा अपने वर्णन वर्णन से और अपने भावों से वो रंग दिखाई पड़ेगा, तेरी लाइट देखेंगे हम। आज कल जो आधुनिक हमारे यहाँ तो बड़े सहारा लेते हैं, अरे यहाँ जरा इस पॉइंटर से जरा जो नाक पे जो ना मुंह पे दिखाओ लाठी, मतलब अब ठीक है आधुनिक लोग भी तो होते हैं देखने वाले, इसलिए जरा दूर से देखने वाले बड़ा हॉल हो गया है, अब अगर करिश्मा ना करें तो जरा थोड़ा सा लोगों को पकड़ने हो, मतलब ये पकड़ने का एक वो है जरिया, इसको कहते हैं पकड़ने का जरिया। अगर आपने अच्छा साउंड कर दिया और माइक के अंदर अच्छी आवाज आ रही है, तो मेकअप करते जा रहा हूँ मैं, वो तो मैं उनका को नहीं जाऊँगा, जैसे फिर कार्यक्रम शुरू हुआ, फिर इतना ईश्वर की कृपा से ऐसा अच्छा कार्यक्रम हुआ, तो कई तरह के एक्सपीरियंस हुए। होटल में कॉलेज मेडिकल एंट्री हुई है, सब जिंदगी के 5 मिनट हमें दे दो, जिंदगी के 5 मिनट हमें दे दो, उसके बाद अपने जिंदगी बिता देना 5 मिनट, लेकिन हम बहुत दूर से आए, दिल्ली से आए, 5 मिनट दे दो, उसके बाद तो हम नहीं मना करें। उस 5 मिनट में करिश्मा की और उसने ऊपर वाले ने गुरु उसकी जगह हम 1.5 घंटे 1.25 घंटे नाचते हैं, फिर जो घेरा है मुझे तो कह रहे जाने नहीं दे रहे, गेट बंद कर दिया, दरवाजा मोटर का नहीं खोलने दे रहे, मैं लैब में से भागा हूँ जहाँ पर रिसर्च होता है, वो सब दुनिया भर की चीजें टंगी, उसमें से घुस घुस के भाग रहा हूँ कि मैं मोटर तक मोटर पहुंचा तो वहां भी गेट बिजो करके खड़े ऑटोग्राफ लीजिए पहले, हम मोटर नहीं उसके बाद सब चुप चाप रहे और ईश्वर की कृपा से जो गुरु बोले, जो भावनाएं सामने दिखाई पड़ी, उससे सब के सब आनंद लेने लगे। एक और वाक्य छोटा सा बोल देता हूँ, हैदराबाद में हिंदी नहीं चलेगी और हिंदी नहीं जाए मारा मारी है पत्थर, और मेरा प्रोग्राम उसके दूसरे दिन रैली चल रही खड़ा हो कि नरसिम्हा राव जी ने अपने बुक में ये लाइन हाईलाइट किए हैं, तो अब प्रोग्राम होता हूँ मैं तो हिंदी नहीं बोलूंगा, प्रस्तुत है कथक हमारे साथ मिले तो ऐसी पहले तो इंदा मेरे ऊपर आएगा क्योंकि हिंदी जो भी फेंक दे अंदर फेंक दे फेंक दे, मैंने कहा चलो यार जय गुरु देव की, मैं तो सामने जाता हूँ, सामने गया मैंने चुपचाप तबले पे जाके उसे क्या जो भी दूसरे कास्ट के लोग हैं उसे कहते थे रिव्यू मारा, 3 बार देखेंगे सुनेंगे हम नाचेंगे, काश ये प्यार आपका एक जैसा एक तीन तारीख जैसा सबको होगा तो कितना पता है, बस ये कह के हम शुरू में सारे रेडियो वाले चल के प्रोग्राम में गए गए खत्म, और दूसरे दिन से हिंदी भाषा लेकर
कोई झगड़ा नहीं, सब शांत हो गया। तो नरसिंह महाराज ने देखा उस महाराज को दूसरे कुछ प्रोग्राम से कुछ झमेला हो ही नहीं। तो मैंने ये महसूस किया कि म्यूजिक क्या असरदार डांस, अनजाने में इनसाइड आंखों के जरिए कान के जरिए कुछ ऐसा दे जाता है आपको, अरे सोच के बजाय थोड़े से मारेंगे दो चार तो तब कुछ तो काम संगीत हो शक्ति हो ईश्वर का। और हम बहुत प्यार करते हैं भैया, सीधी बात है। अगर लैला मजनू की कहानी आप सब लोग जानते हैं इश्क, तो मेरा प्रथम इश्क जो है वो मेरे डांस के साथ है। मैं प्यार करना जानता हूँ बहुत मुझे, और मैंने उसको बहुत खूबसूरत ढंग से अपनी दुल्हन को सजाया, अपने महबूब को सजाया, उसकी आंख सजाई है, उसके होंठ सजाए हैं, उसको पूरा घेर बना दिया अपनी भावनाओं से। और उसको जब भी नहीं आता हूँ तो ऐसे कह के नहीं आता, अब आ जाओ मेरे पास आ जाओ और चले साथ तो मेरे एक कन्हैया तुम ही तो महबूब हो यार, और तो बनाएंगे तुम जब सब कुछ ठीक है। जिधर निहार फेंकता हूँ यो फेंकू तो यो दिखते हैं, यहाँ फेंकता हूँ तो वो दिखते हैं, यहाँ ध्यान मारता हूँ तो यहाँ दिखते हैं। तुम्हारी शक्ति मैं कैसे नाराज हूँ, कैसे मरुदास हूँ, ना तुम जो दिखाई पड़ते रहते तुम्हें, तुम नाच तो साथ साथ हम भी अपने लगे रहते गोल द्वार तो हम लिए रहे नाचो तुम हम भी गोल द्वार है। तो इस तरह से वो कहते हुए बहुत बहुत कल का अनुष्ठान को आपने महा महा अनुष्ठान करना चाहिए कि अपने अपने अच्छे गुरुओं के इस प्रकार के लोग हैं शिष्य लोग करते रहे ताकि अपने गुरु के प्रतिभा को ज्यादा से ज्यादा। इतनी सी उम्र में इतना मेहनत बात रहे, इतना छोटी सी दिखती है बाकी मैं तो सोच नहीं रहा था, मैं छोटी सी बिटिया है और क्या करने वाली है। और वाले मुझे भी विश्वास नहीं हुआ था, पहले भी जब वो आई और बड़ा कम समय था चलो तो किशोर करे शाम मुरी दे सिंह और अन्य कमाओ जो अपने कथक अपनी कला को प्यार करते हैं अपने अपने गुरुओं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ जिसमें महाराज कोई पकड़ो ना ना दूसरे वाले हीरो होंडा बुला लेंगे, मतलब कभी ये नहीं देखा कि क्लासिकल डांसर वालों को हमारे बुलाकर उनको भी नचाए उनको दिखाए जरा, उसमें भी 50 लाख का इनाम रखे तो ऐसा नहीं होगा, 50 पैसे भी नहीं देते। कौन बोलता है, हेलो कौन बोलता है? तो हमें इस बात का दुख है, हम लोग निराश नहीं होंगे, हम लोग का प्रयास जो है बड़ा स्ट्रॉन्ग है, किसी भी हालत में बरसात में तूफान में आंधी में हम लड़ेंगे, लड़ते रहेंगे, जीत होगी एक समय अच्छा। ये कहते हुए बहुत शुभकामना नंदकिशोर को, बड़ा आशीर्वाद इस बार ये प्रयास अच्छा हुआ है और लिखते जाए, हो सकता है जिस महाराज का जिक्र कर रहे हैं कुछ और उसके अंदर सिखाई पड़ जाए, पता नहीं मुझे मालूम है, हो सकता है मुझे भी नहीं पता। बस इसलिए जो महाराष्ट्र में कार्य कर रहे हैं उनके सभी के सब हर एक में नाचना है कौन सा है सबको कवर किया है। और एक बहुत दिनों से ये बात चली रही थी भारत जी के नाम से डांस रिसर्च सेंटर, यहाँ पे मैं 4 फरवरी से स्टार्ट कर रहा और उसके अलावा एक जो म्यूजियम संग्रहालय होगा जो सार्वजनिक ग्रंथालय जिसमें पूरी नृत्य की किताबें उसके अलावा सारी प्रवीण कलाएं की किताबें इसमें अवेलेबल होगी बच्चों को पढ़ने के लिए, सब पूरा जैसे कॉलेज BA MA का सबको यहाँ पे सुविधा होगी। क्योंकि आपको अगर किसी को मालूम नहीं है लेकिन मेरे पास ये
रोहिणी जी के बड़े पुराने शागिर्द जो अमला शेखर है उनसे भी और है कि जो थियरी के लिए मेरे पास आते थे, जो कई कई लोगों को मालूम नहीं होगा, लेकिन जब मैं ये 7-8 साल पहले की बात है, वो सब बी एम ए करने के लिए मेरे पास उन्होंने थियरी का नॉलेज मुझसे लिया, अलका रावलकर से लेके उनकी आशा लड़की से लेके मेरे से किताबें लेके उन्होंने उसमें से सब लिखा हुआ है, और आज वो सब बी एम ए हो गए हैं। सब महाराज जी के सामने मैं ये बात करता हूँ, तो ये अभी तो सबको ही हर चीज़ मिलनी चाहिए, ये मेरी इच्छा है कि केवल एक के पास, मेरे पास कुछ नहीं रहे हो, सब सभी के पास वो सब चीज़ें जाए, इसीलिए मैंने ये ऐसी गहरी मित्रता करो कि एक के बगैर एक ना रहो, जब भी बोलो तो अच्छी बात देके बोलो, कुछ सुनाओ तो ऐसी बात सुनाओ, कोई कविता सुनाओ, सांसारिक बातें सिर्फ गृहस्थी तक रखो, बाकी तो के लोग म्यूजिक वाले भी, बट डांसर्स तो एकदम ऐसे सोचते हैं जैसे महाराज जी उनके हैं और उनके पास एकदम सहजता से, जैसे हम जाते हैं दिल्ली में तो बिकॉज इट इज अस्टमर जनता हो, तो हर तरह के हर स्टाइल के खूब खूब लोग रहते हैं बसते हैं, और आए दिन ये बड़ी दुख की बात है, और इस बात से महाराष्ट्र ने बड़ा सबका दिल जीता हुआ है कि जो एकत्र भावना और जो डेडिकेशन यहाँ है वो दिल्ली में नहीं है। दिल्ली इज अ विशियस प्लेस फॉर एनीथिंग लाइक लव और गिविंग। दिल्ली दिल्ली आई एक्सप्रेस नेवर गो एंड एक्सपेक्ट एनीथिंग गिवन देयर। वो सिर्फ लेना जानते हैं, बहुत स्वार्थी है दिल्ली के लोग, बहुत नकली है, बहुत फेक है। मैं जिंदगी भर महाराज जी हम लोग सब दिल्ली में रहे हैं, हम लोग रहे हैं, लेकिन ये बंगाल के और मैं यूपी का हूँ, और बहुत दुखी है, और ये महाराष्ट्र के सब लोग, हम लोग मैं ही नहीं सब कहते हैं। बट और इसीलिए मैं कहाँ से बात शुरू की थी कि कथक डांस के परफॉर्मेंसेस में शायद महाराज जी कम बुलाए जाते होंगे, पर दूसरे सभी डांस स्टाइल्स के गुरु लोग महाराज जी आज इसका अरंगेत्रम का वो इनॉग्रेशन करने जा रहे हैं, कल उसका नंद मंच प्रवेश, कल वो ऋषि, परसों मोहिनीअट्टम, नरसों वो एवरी वीक ही इज इनवाइटेड टू बी द गेस्ट ऑफ ऑनर, चीफ गेस्ट एंड ब्लेस। और महाराज जी कहते हैं बाप रे मुझे बोलने को बोलेंगे, मैं क्या बोलूँ, मैंने कहा महाराज जी आप तो अभी एक टू पिल्लाना गा देंगे, साउथ इंडियन का अभी आप तो पल्लवी गा देंगे, महाराज जी तो बहुत मुख्य प्रतिभा है, माधवी लीला प्रीति ये लोग सब, महाराज जी हम यहाँ फंस गए हैं, हमारे ये टास्क स्ट्रक्चर में ये प्रॉब्लम हो रही है, प्लीज हमारे पर को समझा दीजिए, उसको बना दीजिए, उसको दे फील रियली फ्री टू कम टू महाराज जी जस्ट लाइक अस। तो महाराज जी तो बातें में नॉट बिकॉज इज माई गुरु बट यू ऑल नो दैट ही इज सो गिविंग, सो गिविंग टू एनीवन। जो 90 में अपने पूना में देखा 1991 में, उसके बाद से वो लगातार यहाँ हर साल अपने यहाँ आए, वो कलाकार आए हैं यहाँ पे, हम सबको कितनी उनसे चीज़ें सीखने को मिली है, हर चीज़ जो गुरु शिष्य के एक मिसाल होती है वो हम सबको आज देखने को मिल रही है, जो उन्होंने काफ़ी कथक में उनका योगदान है हर एक को मालूम है, जो उन्होंने पूरे विदेश में अपना नृत्य का प्रदर्शन किया है, पूरे जगत में वो बहुत ही मशहूर है, और कई हमने उनसे डांट खाई है, लेकिन डांट में भी हमने बहुत कुछ सीखा है, और वो इतना सारा, लेकिन वो प्यार नहीं डांट, वो इतना सबको कलाकार प्यार करते हैं, हर एक को जो हर कोशिश में होता है कि हमें इस महान कलाकार के दर्शन हो जाए, और वो दर्शन हमें उस कलाकार द्वारा मिलता है, कलाकार द्वारा वो दर्शन हो जाता है, जो इतने कम उम्र में भी इतना कथक में उन्होंने अपना योगदान दिया है,
और उस योगदान के लिए उनको इस साल आपको सबको मालूम है कि उनको संगीत नाटक नाटक अकादमी का अवार्ड मिला है जो पंडिता शाश्वती से दी। आम्ही तो फोटोग्राफी करायचे नाही काय भावा मध्ये सुटून येतो तुझ्या आईला थोडा भाऊ प्रत्येक पोस्ट पोस्ट घंटाबंद शागिर्द आहे आणि आपले महाराष्ट्रातले आहेत सगळेजण ते आज जरी लग्नाची अधिकृत असलं तरी महाराष्ट्रीय आहे आपण सर्वांनी यांचं अनेक वेळा नृत्य पाहिलेलं आहे। प्रतापाईंना मी सांगतो इच्छित विनंती करतो की त्यांनी दोन शब्द याच्या या सुंदर प्रसंगी दोन शब्द आपले बोलून मेरा नमस्कार मेरा प्रणाम भैया को देने के साथ साथ बताना चाहती हूँ कि महाराज जी के ये पहले वृंदावन शिष्य तो है ही और हर तरह से संत हैं। देश विदेश में इन्होंने कला को बचाने की कोशिश की है और शायद बहुत कम उन सफल महाराज जी के शागिर्दों में से हैं जिन्होंने इतनी वाकई में अच्छे पैमाने पे शिक्षा दी और अच्छे अच्छे बहुत होनहार स्टूडेंट्स इनके सारे चारों तरफ लंदन विदेश में सब जगह बड़ी अथक मेहनत करते हैं। मैं उसकी साक्षी हूँ और खूब खूब इन्होंने काम किया है और सबसे शेयर करना चाहती हूँ और कहती हूँ कि इतना इनका मन बड़ा है इतना मन इनका अच्छा है कि हर कलाकार को वो इतना प्रेम से इतना अच्छे से देयर आर फ्यू पीपल हु कैन अप्रिशिएट अदर आर्टिस्ट्स यू नीड अ हार्ट टू अप्रिशिएट एंड ही इज फुल ऑफ दैट ही इज फुल ऑफ लव एंड काइंडनेस। बहुत बहुत इसके लिए मैं इनको बहुत प्रणाम करती हूँ। मैंने बड़ा सीखा है इतना मुश्किल कर दिया है बोलना मुश्किल होता है तेरे प्रयत्न पे लैंप एंड आई एडॉप्ट वाय गुरु जी के जीवन में बहुत सारे शिष्य हैं सब ने अपना मतलब साधा कुछ बहुत बहुत बड़ी प्रतिधर्मी है। मैं क्यों ये बात कह रहा हूं कि मेरा अपना एक पर्सनल एक विचार है। लोग हमेशा कहते हैं माता पिता सबसे ऊपर होते हैं मुझे पर अब मैं अपने लिए बताता हूं कि मराठा फैमिली में मेरा जन्म हुआ पूर्वज बेटे से गए घोड़ा नहीं चलवा जेव्हा महाराष्ट्र भेटतात म्हणजे मला हट्ट असतो थोडस मराठीत बोलायला त्याच्यामुळे आणि 33 वर्ष बाहेर महाराष्ट्रला आमच्या गावला तरी दरवर्षी येतो दोन वेळा। मेरे व्यक्ती इंदौर पैदा हुआ और कहा दिल्ली दिल्ली से बहुत बड़ा लगता है पता नहीं कहा जा रहे वहां पर सीखा। अब मैंने अपना एजुकेशन किया है आगरा यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कर ग्रेजुएशन कर लेता कक्षा लेकिन आज कहां कहां मेरे छोटे से व्यक्ति की चर्चा होगी किस वजह से गुरु के गुरु ने जो मुझे शिक्षा दी उस नाच की वजह से मैंने अपने दोनों बच्चों को अपनी पत्नी को सबको मैं हमेशा शुरू से कहता हूँ कि हम लोगों ने बहुत स्ट्रगल करके आज बहुत अच्छे मुकाम पर हम लोग बैठे हैं लेकिन एक बात याद रखना कि मेरे घर में जो बत्ती चल रही है ना जो बिजली का बल्ब चल रहा है एक समय लालटेन थी अभी बिजली चल रही है पर ये मेरे गुरु की कृपा से इसको बात तुम लोग भूलना मत जब तक कम से कम मेरे जन्म उत्तर मेरे बात क्या होगा मुझे पता लेकिन सरस्वती का बहुत प्यार और वो मेरी बात को मेरी भावों को समझेंगे और शायद रखेंगे आई एम श्योर रखेंगे। सरस्वती के लिए मैं कह शिष्य तो बहुत सारे हैं शिष्य बहुत सारे हैं लेकिन ये एक व्यक्ति है। एक बार मैं भी थोड़ा सा इसलिए हाथ कि महाराज जी की मेरी रिलेशनशिप तो दोस्त से शुरू फिर जिस शिष्य बना हूं मैं शिष्य
इनके साथ में सिनेमा जाने के लिए भी मुझे लगता था कि ये अदब से खिलाफ है, वो रिलेशनशिप में रखी मैंने, बड़ा मिक्स रिलेशनशिप है मेरा। ये बहुत सीधे पड़े भले आप दोनों सबको लगते हैं भी, लेकिन कुछ बातों में इतने डिफिकल्ट है, और आप तो ये बहुत सीधे हो गए। आई विश कि हमारे टाइम बेस हो, इतने मुश्किल व्यक्ति कि छः छः महीने हो जाते थे, मैं सर पटक के जाता था, इनके भाव के लिए जाते थे नाराज, मैं सर पटक के जाता था कि क्या मुझसे गलती हुई बताइए ना, क्या गलती हुई मुझे बताइए तो बस ठीक करूँ, से माफ़ी मांगूँ कुछ करूँ, लेकिन भाव से पता लगता अब तो बहुत सीधे बहुत सीधे। सरस्वती अगर न होती तो आज महाराज जी जहाँ पर भी हैं, मेरी सच्ची बात, क्योंकि शी इज फ्रेंड, इज नर्स, इज गाइड, इज डांस पार्टनर, एवरीथिंग, ही लिव्स फॉर एवरीथिंग, हर चीज वो लंदन मेरे पास आती थी, मैंने एक बार हमने दोनों डुएट करके प्रोग्राम, हर दिन में तीन बार फोन आ रहे हैं, भाई वो फोटो कहाँ रखा है, भाई उस फलानी की चिट्ठी आ रही है, भाई ये अच्छो और आज अनफॉर्चुनेटली महाराज जी उस समय में महाराज जी के जो पूर्वज थे और उनकी क्या बात करते, मैं यहाँ इंडिया में तब तक ही होता था, महाराज जी को याद आवाधारी हूँ, महाराज जी को याद होगा कि ऑर्गेनाइजर्स हाथ में कैश लेके बिहार से यूपी से ऐसे हाथ जोड़ के आते थे घर में कि ये हमारे ले लीजिए पहले और हमें दस्तखत कर दीजिए, फलाना आ रहा है उसके मत जाइए हमारे यहाँ आइए। ये वक्त हमने देखा है सोलो परफॉर्मेंसेस के लिए हम लोगों के लिए, आज का वक्त बदल गया। अब वो पता नहीं क्यों ये मीडिया इतना स्ट्रांग हो गया, अभी क्लासिकल आर्ट फॉर्म को सपोर्ट बहुत कम, एक बात मैं कहूँगा विदेशों में बल्कि ज़्यादा है, आपको हैरानी होगी जान के इंडिया जैसी चीज़ में। एक बार सीताराम केसरी मुझे रास्ते में मिले, बड़े राजनीति के अब तो नहीं रहे हो, तो मुझे कह लेंगे महाराज जी कह लेंगे अरे इंग्लैंड में रहते हो, हाँ तो वहाँ क्या करते हो, कैसा होता है, उनके ग्रांड पॉइंट मिल जाते तो ग्रांड पॉइंट में तो अंग्रेजी डांस करते हो क्या, उनके नहीं मैं तो वही थोड़ा बहुत कथक गाता वही करता हूँ, ही कौन मिलेगी कह लेंगे अच्छा हम कह रहे इंग्लैंड में उनके उनके पास वो कल्चर है ही नहीं, कुछ गायले है वो भी फ्रांस से आया हुआ और बाकी तो जो भरतनाट्यम कथक क्लास का आर्ट फॉर्म किया तो वहाँ बल्कि बाहर है, यहाँ पर नहीं है कोई भी हम लोगों को सपोर्ट, यहाँ आजकल तो बड़ा अजीब चक्कर बड़ा अजीब मारे और साथ में खूब रहे सही बात करें। 5 फरवरी 1959 में शागिर्द बना, अब अभी उस डेट को मैं इनके पास जाके उन्होंने लेके जाता हूँ कि क्या है यार, मैं इनसे कहता हूँ आपने आज के दिन अपने जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की थी मेरे जैसे बीमारी पड़ रही और ऐसे मेरे जैसे अक्कड़ मराठा आदमी को भरतनाट्यम एक बात बताऊँ आपको, मैंने सिखा था भरतनाट्यम सीखा हूँ ये देखिए हाथ अभी तक भरतनाट्यम हाथ वैसे ही तो इस अपना सर पीटते थे वो धातक को दूंगा अब तुम्हें ये कर लूंगा पहले बड़े धातक कर थूंगा सर पीटते थे अपने तो ऐसे टेढ़े मेढ़े आदमी को गुरु जी ने अपना पहला शिष्य बनाया, मैं बहुत बहुत बड़ा भाग्य समझता हूँ उस ईश्वर से, हर दिन हर बार हर बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ मालिक को जैसे गुरु मुझे दिए और इतने सारे गुरु भाई और गुरु बहन दिए, तब तो मेरा मन इतना खुश हुआ और इस बात से ज्यादा अभिमान हुआ ये महाराष्ट्र ठीक कहा, वाकई ईश्वर ने मुझे ऐसा दिल दिया, कभी मुझे लगता ही नहीं है। आप दीपक के नाच रहे थे, चिकुरिया कर रहे थे, सब लोग जानते थे महोत्सव
देश पांडे, मुंबई से आए थे विजय श्री उसके अलावा नाथ की सभी बहुत सुंदर नृत्य करके आपने देखा हुआ है। पेंसिल और बिना रबर के उन्होंने शुरू से स्केचेस किए हैं।
लेकिन कलर जरूर मैंने पकड़ा है और कैनवस पे मैंने बाबू को हाँ बहुत डर लगता है बहुत डर किसी टॉपिक पे मैं फंस जाती थी जैसे कॉलेज में मुझे कोई टॉपिक मिला फैमिली के बनाए या किसी के तो बाबू से विंडो बैठ गए बल्कि मैं आपको बताऊँ एक और भी आपको राज के बताता हूँ कि मैं जिस समय एग्जाम देती थी और मैं थोड़ा पढ़ने में ज़्यादा इंटरेस्ट था मेरा तो रात में बायोलॉजी पढ़ रही थी तो बाबू को बायोलॉजी नहीं आती तो समझ नहीं आ रहा था मुझे कि कोई पढ़ाता भी नहीं था अगर मैं खुद ही पढ़ती थी तो रात को बाबू को जगा कि बाबू ऐसा है कि मैं चैप्टर पढ़ रही हूँ आपको समझाऊंगी और आप समझेंगे तो मुझे समझ में आ जाएगा और वो नींद में आँख वाँख मल के बैठ के हाँ बता मुझको तो मैं पूरा आपको बायोलॉजी पढ़ाती थी और मुझे तो अच्छा ऐसे भी होता है तो उसकी वजह से मैं बकायदा पढ़ के बाहर आई और इसी तरह से स्केच मैं जब वैक्स में स्कल्पचर बनाती थी एक हैंडमोर इंटरनेशनल लेवल पे कंपटीशन हो रहा था स्कल्पचर का ऑल इंडिया और इंटरनेशनल लेवल पे था और उसमें पार्टिसिपेट करना था मुझको स्कल्पचर बनाने की मैं वैक्स कर थक गई और रातों रात काफी हो रही थी बहुत जरूरी थी हर आदमी जैसे बनाएगा स्कल्पचर जो होता है एब्स्ट्रैक्ट में बनाएगा या रियलिस्टिक बनाएगा मुझे कुछ ऐसा आप बताओ कि अब आदमी कहाँ बिठाओ Thank you.
गाने तेरे कदा Thank you.
सक्सेस।